वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल लक्ष्मी आयुर्वेद। लक्ष्मी आयुर्वेद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडेज टॉप इज आंवला चूर्ण। आज मैं इस वीडियो में आपको आंवला चूर्ण के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन दूंगी, इससे रिलेटेड सभी जानकारियां दूंगी। ये कौन से डिजीज में फायदेमंद है, इसे कितनी क्वांटिटी में लेनी है और इसकी प्राइस क्या है, इसमें कौन कौन से इसके बेनिफिट्स है, क्या क्या नुकसान है, सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा ले ताकि न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो दैट इज कॉल्ड आंवला चूर्ण। सबसे पहले मैं आंवला चूर्ण की पैकिंग आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह की पैकिंग इसकी आती है आंवला चूर्ण की, और ये डाबर कंपनी की मेरे पास है और भी बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती है, आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, तो ये डाबर कंपनी की है। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ आंवला की पिक्चराइजेशन की गई है। तो ये आंवला चूर्ण के बारे में आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये जो है सभी लोग जानते हैं कि आंवला बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, ये हमारी बॉडी में बहुत तरह से जो है फंक्शन करती है, बहुत सारे डिजीज के अगेंस्ट ये वर्क करती है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, लेकिन अगर सही तरीके से या सही मात्रा में नहीं ली जाए तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। आंवला में जो है विटामिन सी और साइट्रिक एसिड जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये साइट्रिक एसिड जो है वो पेट को साफ रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है, और जब हमारी पेट साफ होती है तो जो है कई एक डिजीज जो है खुद ही अपने आप जो है वो चले जाते हैं। तो और इसमें साइट्रिक एसिड जो है भरपूर मात्रा में है, और इसमें विटामिन सी भी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और सभी हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं ये कि विटामिन सी जो है वो हमारे स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और विटामिन सी से जो है हमारी स्किन जो है ग्लोइंग होती है और बाल भी जो है रिपेयर होते हैं। इसमें जो है आंवला में बॉडी रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि अगर किसी भी वजह से जो है आपकी सेल्स टूट गई है या बॉडी में जो है सेल्स जो है वो कोई वजह से नुकसान पहुंची है, उनको क्षतिग्रस्त हो गई है, तो उस कंडीशन में इसे ये रिपेयर करने की क्षमता रखता है। जैसे कि आज के डेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोटे से पतले होना है और पतले से मोटे, जिनकी वजह से वो कुछ ऐसे मेडिसिंस का सेवन कर लेते हैं जिनसे उनकी बॉडी को जो है साइड इफेक्ट ये होता है कि समय से पहले ही झुर्रियां आने लगती है, स्किन लटकने लगता है, क्योंकि वो दवाएं जो होती है वो सेल्स को पूरी तरह से तोड़ देते हैं और न्यू सेल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत बार बॉडी को जो है वो झुर्रियों का सामना करना पड़ता है। अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ हुई है तो आप इसका सेवन अगर कंटिन्यूअसली करते हैं तो थोड़ी दिनों में धीरे धीरे आपके सेल्स जो है रिपेयर होंगे और आपकी ये लटकने वाली जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जो है हाई ब्लड प्रेशर को भी ये बैलेंस करने में मदद करती है, यानी कि अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आप अपने बीपी को इस आंवला चूर्ण से बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लोग भी ले सकते हैं और इससे जो उनकी बीपी जो है बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगी। और कोलेस्ट्रॉल को भी ये बैलेंस करने में मदद करती है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गई है तो अगर आप इसका सेवन कंटिन्यू करते हैं तो जो है आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है धीरे धीरे बैलेंसिंग हो जाएगी। और तो और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जिनको है, या तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जिनको दिक्कत है, श्वास लेने में तकलीफ है, इस कंडीशन में भी जो है श्वास लेने में जिन लोगों को तकलीफ है तो वो लोग भी अगर इसका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे जो है उनकी श्वास की प्रॉब्लम जो है कम हो जाएगी और उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी जो है ठीक से फंक्शन करना शुरू कर देगी। ये जो है ब्लड सर्कुलेशन को भी एक्टिव करता है, यानी कि हमारे रक्त बॉडी की जो रक्त संचार है उसे भी सुचारू रूप से चलाने में या एक्टिव रखने में मदद करता है। लीवर को भी ये मजबूती देती है, यानी कि अगर आपकी पेट जो है कुछ भी आप खाते हैं और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो इस तरह की कंडीशन में इसे लीवर की तरफ ये जाता है सिम्टम्स, तो लीवर को भी जो है ये ठीक करती है और आपके डाइजेशन को भी ठीक करती है। अगर पेट खराब रहता है तो भी आप इसे अगर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके पेट में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा, और जो है आप अक्सर जो बार बार दस्त टाइप की आपकी होती रहती है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये पेट को साफ करके पेट संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करता है। और जो है
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये बालों के किसी भी प्रॉब्लम के लिए, बालों की कोई भी तरह की समस्या हो, इसमें ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि असमय अगर बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं, या तो आपके बाल रूखे सूखे दो मुहे बेजान हो गए हैं, या तो बालों में स्प्लिट एंड्स हैं, कोई भी तरह की बालों की प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत अच्छा जो है इफेक्टिव एक औषधि है। ये जो है बालों के लिए एक वरदान है, बालों को ये खूबसूरत लंबा घना और लश्करस बनाता है, ये सभी जानते हैं। तो इसका सेवन आप अपने बालों के लिए भी कर सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स के बारे में आपने जाना, अब देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर आप डायबिटिक है, यानी कि अगर आप डायबिटीज आपको है, तो आप जो है किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन शुरू करें, क्योंकि ये शुगर लेवल को बहुत हद तक कम कर देती है और डायबिटीज लोगों के लिए ये परेशानी की बात हो सकती है। तो अगर आप डायबिटिक है तो एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही जो इसकी डोज और इसका शुरुआत जो है आप करें। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गई है तो उस कंडीशन में आप थोड़े दिनों के लिए इसे बंद कर दें, जब तक आपको सर्दी जुकाम है, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है आंवला की वो ठंडी होती है। तो अगर सर्दी जुकाम है तो आप थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दें, फिर जब आप नॉर्मल हो जाए फिर से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लोग एलर्जिक है, यानी कि इसे लेने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्किन में कोई तरह का एलर्जी हो रहा है, तो आप जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो कम कर दें, यानी कि जितनी मात्रा में आप ले रहे उसकी आधी मात्रा में आप ले, और फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं फिर भी मुझे एलर्जी कंटिन्यू हो रही है तो आप इसे लेना बंद कर दें। वैसे तो इसमें एलर्जेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हो सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, जब आप इसका सेवन कर रहे हो या इसका यूज कर रहे हैं, उस दौरान आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि ये जो है हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसे डिटॉक्सिफाई करते हैं। आपको बाथरूम बार बार जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस केस में अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो इसे अगर आप ले रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। और अगर आपको डायरिया हो रखा है, अगर आप बार बार दस्त के शिकार हो रखे हैं, तो उस समय जो है आप इस आंवला चूर्ण को बंद कर दे लेना, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा आपको बार बार बाथरूम जाने की आवश्यकता पड़ सकती है और ये परेशानी की बात हो सकती है। तो उस केस में भी जो है आप बंद कर दे। तो आपने देखा कि इसके नुकसान बहुत नॉर्मल है और फायदे बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे जो है अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हैं, इसकी प्राइस 80 रुपीज़ है, यानी कि 80 रुपये इसकी MRP है, आप देख सकते हैं आज के डेट की। और ये जो है हमारे लक्ष्मी आयुर्वेद में भी उपलब्ध है और किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक दुकान में ये आपको स्टोर में आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आंवला चूर्ण जो है ये एक बहुत फेमस आयुर्वेदिक औषधि है। इसे आप चूर्ण फॉर्म में ले सकते हैं, इसे आप लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, आंवला जूस भी आजकल उपलब्ध है बाजार में, इसे आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, या तो आप इसे नेचुरल फॉर्म में भी ले सकते हैं। अगर नेचुरल आंवला आपके पास उपलब्ध है तो वो भी आप ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि क्वांटिटी जो है वो आपको सही लेनी है। अगर आप नेचुरल आंवला ले रहे हैं तो 2 से ज़्यादा दिन भर में आप न लें, और अगर आप इस आंवला चूर्ण को ले रहे हैं तो जो है 1 से 2 चम्मच पानी के साथ आपको लेनी है। और अगर आप शुरुआत में स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहली बार ले रहे हैं, तो आप 1 चम्मच ही लें, क्योंकि ज़्यादा लेने से जो है आपको परेशानी हो सकती है, बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। इसलिए आप इसे 1 चम्मच से ही शुरू करें, फिर धीरे धीरे जैसे आपके बॉडी एडजस्ट करे फिर आप 1.5 चम्मच 2 चम्मच कर दें। तो ये है इसके सही तरीका लेने का। आप अपने मन से इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ना बढ़ाएं वरना आप परेशान हो सकते हैं। और होप मेरा वीडियो आज का आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और जो है मेरे चैनल में जो लोग नए हैं वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही बेल आइकन है उसे भी दबा लें, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के रिव्यू आपके लिए लाने वाली हूँ जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी, आपकी हेल्थ रिलेटेड होंगी। सो हमारे साथ बने रहें। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय।